But first, our top story. After BJP patriarch LK Advani's veiled message, RSS ideologue Govindacharya dropped a bombshell on the party. He has said that Sushma Swaraj and Vasundhara Raje must quit on moral grounds like LK Advani, and not doing so is damaging the Narendra Modi government's image. Now, in an exclusive interview to India Today, Govindacharya said that Sushma and Raje should have followed the example set by LK Advani, who had resigned in a similar situation in 1996 as an MP. Remember, External Affairs Minister and Rajasthan Chief Minister under the scanner for extending help to the tainted former IPL boss Lalit Modi for acquiring travel documents in the UK. Now let's listen in to the RSS ideologue salvo at the BJP. मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज को भी स्वयं समझना चाहिए कि इतने ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते भी हों तो और सावधानी बरतने की ज़रूरत है. उन्होंने वो सावधानी नहीं बरती, ये तो उसको तो दोष कहा जाएगा, कमी कही जाएगी इसको. क्या सुषमा स्वराज जी का भी इस्तीफा होना चाहिए आपके हिसाब से? इसी मैंने पहले भी कहा है कि भैया इन लोगों को स्वयं सोचना चाहिए. हाँ, इन बातों से ज़रूर पार्टी की साख घटती है, सरकार का रुतबा घटता है, सरकार का इकबाल घटता है, सरकार की साख गिरती है. उम्र के बदले स्वास्थ्य, उम्र के बदले गतिशीलता, ये आधार होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. कि हर आदमी शंका को लेके क्या हो रहा है पता नहीं. सांसद कई बार मिलते हैं, उनके लगता है वो भाई पता नहीं क्या हो रहा है. क्या कहते हैं सांसद जब मिलते हैं? वो हमसे पूछते हैं कि सरकार चला कौन रहा है, पार्टी चला कौन रहा है. जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ होता है घर में, बड़ों को हम इज्जत दें, हर बात माने जरूरी भी नहीं है.